अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल। तो यहाँ के जो साबिका प्रिंसिपल हैं वो मेरे साथ हैं इस वक्त। इनकी जो एक स्पेशल कर्टिसी है जिसकी वजह से मैं आज आपको इस कॉलेज का विज़िट भी करवाऊँगा और इनसे प्यारी प्यारी बातें भी करेंगे। तो चले सर। राइट सर। नाज़रीन, मैंने आपकी मुलाकात तो करवाई जो इस वक्त प्रिंसिपल हैं, तो अभी मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ जो साबिका प्रिंसिपल हैं इस कॉलेज के, नूरुल हक चौधरी साहब, प्रोफेसर नूरुल हक चौधरी साहब। सर, थैंक यू वेरी मच। आपने वालेकुम, आपने टाइम निकाला मेरे लिए, बहुत नवाजिश। वेलकम सर। वेलकम वेलकम। अच्छा सर, पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि आपने इस कॉलेज में कितना अरसा तक खिदमात दिया? तकरीबन 24 साल हो गए इस कॉलेज में मैं सर किया है। अच्छा, 24 साल 1994 से 2018 तक। अच्छा, माशाल्लाह। एज प्रोफेसर यहाँ पे आया। अच्छा, 20 साल बल्कि 24 साल ही कह लीजिए। सही। केमिस्ट्री पढ़ाई। सही। जिसमें 20 साल MSc शामिल है, देन BS 10 साल पढ़ाई, और फिर उसके बाद एज वाइस प्रिंसिपल एंड देन एज प्रिंसिपल, और उसके बाद रिटायर। माशाल्लाह जी, तो आपकी तो बड़ी खिदमत है जी। तो, माशाल्लाह, तो इस कॉलेज में तो यूं समझिए कि इस दश्त में इसी तरह ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह अकबर। तो बच्चों को पढ़ाते हुए अच्छा कुदरत ने मुझे एक उस्ताद की हैसियत से शायद पैदा किया है, और इसी में ही मैं खुशी महसूस करता हूँ। सुभानअल्लाह। आज भी मैं यही समझता हूँ कि ठीक है, अल्लाह ताला ने मुझे एज प्रिंसिपल बहुत बड़े अदारे का सरबराह होने की हैसियत से ये एज़ाज़ से नवाजा, फिर भी मैं समझता हूँ कि नहीं, शायद मैं सिर्फ उस्ताद। नहीं जी, आप माशाल्लाह बिल्कुल हैं ही उस्ताद। अल्लाह आपको सलामत रखे, कायम व दायम रखे। मुझे बताइएगा, आप इस कॉलेज की कुछ नामवर शख्सियात में से चंद एक का अगर नाम आपको याद हो तो बता सकेंगे? इस कॉलेज में बहुत सारे बड़े नामवर लोग पैदा किए जिन्होंने नेशनल लेवल पे, इवन इंटरनेशनल लेवल पे अपना नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सही। तारिक अजीज। सही। वो यहाँ का नीलाम घर वाले, नीलाम घर वाले। इसी तरह दिलदार परवेज भट्टी, वो यहाँ से उनका ताल्लुक। आपने इतना अरसा गुजारा, आपकी जो सबसे अच्छी यादगार कोई मेमोरी कोई ऐसी जो आप कभी याद करते हो और खुशी महसूस करते हो? जैसे मैंने पहले भी कहा कि शायद कुदरत ने मुझे उस्ताद के तौर पर ही पैदा किया है। क्लास में पढ़ाते हुए पीरियड एक घंटे का, चार चार घंटे मुसलसल क्लास चल रही है। ओह, ना मुझे पता ना मेरे स्टूडेंट्स को। अल्लाह अकबर। कोई एक ऐसा वाक्य अगर आपके जहन में हो इस पूरी सर्विस के रिकॉर्ड में जो फनी सा हो, यानी कि कोई स्टूडेंट से रिलेटेड हो या आपके कोलीग से रिलेटेड हो या किसी से, जिसको आप याद करके या अचानक हंस पड़ते हो, यार ये भी हुआ था, एक ऐसा है कोई जहन में? बच्चों की छोटी छोटी शरारतें होती है और मैं बल्कि अक्सर अपने कुलीज को, टीचर को कहा करता हूँ कि अगर शरारतें बच्चों ने नहीं करनी है तो और क्या बूढ़ों ने करनी है। सही बात है। तो बच्चे अगर शरारत छोटी मोटी कर जाते हैं, हाँ अलबत्ता ऐसी शरारतें ना करें या ज़्यादा शरारतें ना करें कि क्लास में सर्व हो, हाँ अलबत्त थोड़ी बहुत होनी चाहिए ताकि क्लास का माहौल ज़रा अच्छा सा हो। अच्छा सा। अच्छा, इस तरह अगर कोई बच्चा कर देता है तो बजाय इसके कि मैं उसको डांटूँ, मैं मुस्करा के उसको रिस्पांस दे देता हूँ। सही। बाकी बच्चे भी मुस्कुराते हैं और
एक जिसे खुश्क मसमून कहा जाता है। हाँ जी, वो आपका था ना। लेकिन उसको कभी भी खुश्क नहीं होने दिया। अच्छा जी, जिसका जी। मैं जैसे अभी बताया कि अगर एक बच्चा 4 घंटे एक लेक्चर सुन सकता है इसका मतलब वो खुश्क नहीं। सही सही। वैसे मैं टू बी वेरी फ्रैंक, मैट्रिक तक तो मैंने इसको जब पढ़ा तो वाकई ये खुश्क है, मैंने फिर छोड़ दिया इसको, ये मेरे बस की बात नहीं। इस व्यक्ति के साथ दोस्ती लगाना पड़ती है। सही सही। एक दफ़ा दोस्ती हो जाए तो ना आप उसे छोड़ेंगे ना वो आपको छोड़ेंगे। क्या बात, क्या प्यारी बात की आपने। अच्छा सर, आजकल क्या आपकी मसरूफियात है? अब रिटायर हो चुके हैं आप, तो आजकल क्या कर रहे हैं आप? जब मेरी रिटायरमेंट हो रही थी, यहाँ डिपार्टमेंट की तरफ से अलविदा कहा जा रहा था, फंक्शन में मैंने एक शेर सुनाया। एक शेर में थोड़ी सी तब्दीली के साथ, करूँगा क्या जब हो गया टीचिंग से रिटायर, मुझे तो कोई और काम नहीं। तो फिर मैंने यही सोचा कि टीचिंग से रिटायर होकर भी टीचिंग ही। क्या बात है। तो आजकल जिधर आप कर रहे हैं जी, ये टीचिंग मुझे ले जाना उधर। बिल्कुल, अभी हम चलते हैं, वहाँ पर चलेंगे, आपको अपना अदारा दिखाऊंगा, वहाँ पर एज प्रिंसिपल में काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। उसके अलावा ये हमारे साथ ही साहिवाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पर MSc की क्लास उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा। और एक BS का 7th semester उसको मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इस लिहाज से मैं अब भी अपने सब्जेक्ट को नहीं छोड़ा। उसके साथ अब भी मैं इंटर। माशाल्लाह। नाज़रीन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी प्रोफेसर साहब आजकल कहाँ बैठते हैं, तो चलते हैं। प्रोफेसर साहब मुझे ले गया हैं जी एक और जगह जहाँ इनकी चेयर है, तो अब इनसे पूछते हैं यहाँ ये क्या करते हैं। सर मुझे बताइएगा जी, आप इधर ले के आए हैं, ये आपका सेटअप है, अब रिटायरमेंट के बाद आप इधर बैठे हुए हैं, इधर आपकी क्या खिदमत है? ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि एक साइड से एजुकेशन से रिटायर हुआ। अच्छा। और उसके बाद कॉलेज ऑफ एजुकेटर के साथ अटैच हो गया। अच्छा। ताल्लुक वही एजुकेशन के साथ ही है। और माशाल्लाह ये साहिवाल कॉलेज ऑफ एजुकेटर इस नाम से हमारे 2 कैंपस हैं, बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स कैंपस। अच्छा। मैं यहाँ पे गर्ल्स कैंपस में एज प्रिंसिपल काम कर रहा हूँ। बच्चियाँ माशाल्लाह हमारे पास ये तकरीबन 800-900 के करीब बच्चियाँ, सिर्फ बच्चियों का ये कैंपस है। अच्छा। और माशाल्लाह इतनी अच्छी इनकी एजुकेशन के लिहाज से देखभाल की जाती है। और ये अदारा जो है बहुत पुराना अदारा है। ये एक सीरीज़ जो डी एजुकेटर, सिर्फ डी एजुकेटर नाम से चल रहा है, ये उनसे पहले साहिवाल में काम कर रहे हैं। अच्छा। वो अदारे बाद में यहाँ पर आएंगे। ये कुछ थोड़ा सा आपको इसका मुझे आइडिया देंगे कितना पुराना ये आपका अदारा है? ये तकरीबन 2004 से ये काम कर रहा है। अच्छा। 2004 से तकरीबन 16-17 साल। ओके। अच्छा सर मुझे बताइएगा, मैं पहले आप थे सरकारी इदारे में, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर में आ गए, उस इदारे का तजुर्बा लेके आप इधर आ गए, तो इसमें आप कैसा फील कर रहे हैं इस? एक्चुअली यही बात मैं पहले जो बताना चाहता था वो यही थी कि वहाँ से यकीनन बहुत तजुर्बा हासिल किया, बहुत कुछ सीखा, और बजाय इसके कि मैं घर बैठ के वो सारा तजुर्बा जो है वो जाया कर बैठता। जी जी। ये तजुर्बा मैं ये समझता हूँ कि हमारी कौम, हमारे ये बच्चे, उनकी मेरे पास अमानत है। कुदरत ने मुझे ये अमानत दी है और मैंने ये अमानत उनके
हकदार जो है उन तक पहुँचा। माशाल्लाह, इसी चीज़ को मद्देनजर रख के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। माशाल्लाह यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बच्चियाँ मेहनत करती हैं, टीचर जो हैं वो बड़ी एक्सपीरियंस हैं यहाँ पर। अच्छा। और काम करती हैं। अच्छा। हमारा सिलेबस जो है वेल इन टाइम ख़त्म हो जाता है। अच्छा। फिर उसके बाद हमारे टेस्ट सीरीज शुरू हो जाती हैं, 9 सीरीज, 6 सीरीज, 5 सीरीज, यानी एक सिलेबस को, एक सब्जेक्ट के सिलेबस को डिफरेंट पार्ट्स में उसको तकसीम कर दिया जाता। अच्छा। है और इस तरह उनके टेस्ट लिए जाते हैं, फिर हाफ बुक पे आ जाते हैं, फिर फुल बुक पे आते हैं। और बच्चों की इस हद तक माशाल्लाह तैयारी हो जाती है कि एनुअल में बिल्कुल बच्चे रेडी हो जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि यहाँ पर हर रोज़ पहला पीरियड टेस्ट होता है। अच्छा। पहले पीरियड बच्चे टेस्ट देंगे, उसके बाद दूसरे पीरियड से लास्ट तक डिफरेंट सब्जेक्ट्स पीरियड वाइज पढ़ेंगे। जी। अब ये जो एक हफ्ते में ये पढ़ रहे हैं, इनका अगले हफ्ते टेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह एक सब्जेक्ट की बारी एक हफ्ते में आएगी, लेकिन क्योंकि सब्जेक्ट अच्छे हैं, दिन भी हमारे पास अच्छे हैं, तो लिहाजा वो हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट का टेस्ट दे रहा है। अच्छा। तो इस तरह साथ साथ की तैयारी होती है नंबर वन। और फिर एक महीने में ये जो टेस्ट हो रहा है कि इसमें सिलेबस एक हफ्ते का होगा, जब एक माह गुजर जाता है तो फिर हमारे मंथली टेस्ट शुरू हो जाते हैं। इट मीन्स कि अब वो जो बच्चों ने एक महीने में पढ़ा है, अब वो सारा एक बार फिर रिवाइज होगा। क्या क्या बात। और इस तरह हमारा सिलेबस कंप्लीट एंड देन वो हमारी सीरीज। बच्चों के बर्डन भी नहीं पड़ता, वो साथ साथ चलते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा याद करते हैं, साथ साथ उनका टेस्ट दे रहे हैं। एक महीना हुआ फिर पिछला फिर शामिल कर लिया था, तो पूरा महीना का एक दो फिर रिवाइज हो जाए। तो इस तरह माशाल्लाह बड़ा बेहतरीन जो है सर। और ये चीज़ मैं अर्ज करना चाहता हूँ, ये मेरा ख्याल है शायद किसी और अदारे में ना मिले। अच्छा। कि रोज़ाना का टेस्ट बड़ी आसानी से इन टाइम सिलेबस खत्म हो गया। और उसके बाद फिर अगेन देन ओनली टेस्ट, बल्कि उन टेस्ट से भी पहले एक दो पीरियड हम रख लेते हैं कि बच्चे तैयारी करेंगे। अच्छा। टीचर से कोई डिफ़िकल्टी है, कोई डिफ़िकल्ट पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करेंगे और उसके बाद टेस्ट में बैठेंगे। और टेस्ट का जो ही टेस्ट ख़त्म होगा उसके बाद उनकी अगेन डिस्कशन होगी कि इस टेस्ट में क्या कोई प्रॉब्लम था, वो टीचर के साथ अगेन वो डिस्कस करेंगे। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा सर बताइएगा, आपका जो रिज़ल्ट है वो कैसा रहता है आपका? माशाल्लाह हमारा रिज़ल्ट बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। हर साल आलमोस्ट तकरीबन साहिवाल बोर्ड में कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर रहे। माशाल्लाह। मसलन इस दफ़ा ये हमारे ये कॉमर्स ग्रुप में साहिवाल बोर्ड में 3री पोजीशन हमारी लेके ली थी। माशाल्लाह। तो मैं ये समझता हूँ कि साहिवाल इतना बड़ा डिवीज़न, बड़े बड़े अदारे जी, बड़े उनके नाम, और उनमें कोई ना कोई पोजीशन ले जाना बड़ी बात, ये भी बड़ी बात। बिल्कुल, अल्लाह ताला की खास इनायत। ये आप लोगों की मेहनत है ना जी, आपके स्टाफ की मेहनत है, आपकी स्टाफ मेहनत करते हैं, वो भी जाहिर है अल्लाह ताला की इनायत से होती है। वो तो अता करता है, जिन डालता है कि इन बच्चों के लिए हमने काम करना। जबरदस्त, हमारे पास अमानत है। जबरदस्त, वालदैन की तरफ से भी अमानत है, कौम की तरफ से भी अमानत है। और इनको हमने एक अच्छे अंदाज में अच्छे बच्चे बना के कौम को वापस देने। जबरदस्त, बड़ी यानी पाकिस्तान की माओं की जो है ना, वो आप यहाँ पे उनकी तरबियत कर रहे हैं, जो कि सोसाइटी में जाके जिनका नाम बनेगा आगे इंशाल्लाह। ये जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर रहा हूँ, हमारे जैसे सिस्टम क्या होता है, पेरेंट्स आते हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही अर्ज क्या करता हूँ कि आप लोग ये हमारे बच्चे जी, आप लोगों ने इन हमारे बच्चों के लिए हमारे साथ ताउन करना। क्या वो इस तरह के बच्चे जब घर जाते हैं तो क्योंकि सारा दिन का भी पड़ा हुआ है, वो भी याद करना है, उन्होंने अगले दिन टेस्ट भी है, वो भी तैयार करना है, तो वहाँ पर बच्चे जो है वो अपना टाइम ज़ाया करें। ज़बरदस्त। अच्छा सर, आपके कॉलेज की अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ, मुझे नहीं पता ये मैं सही बात करने लगूँ या गलत है, आप ग्रेडिंग कर सकते हैं कि आप किस सही बात में, जैसे कहते हैं ना जी ये कॉलेज पहले नंबर पे, ये दूसरे पे है, क्योंकि रिजल्ट बेस्ड आप अगर
रीडिंग करेंगे अपने इस कॉलेज की, किस जगह पे आप इसको देख रहे हैं? रिजल्ट के हवाले से तो मैं अभी अर्ज कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई पोजीशन हम ले जाते हैं, जाहिर की मेहनत हो रही है इसलिए हो रहा है। इसके अलावा पढ़ाई के लिहाज से भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह हमारा सिस्टम चल रहा होता है। फाइनेंस के लिहाज से मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जितने भी प्राइवेट अदारे हैं उनमें से शायद यहाँ के एक्सपेंसेस फीसें वगैरह सबसे कम सही, सबसे कम है, ताकि एक गरीब का बच्चा भी यहाँ आते पढ़ सकते, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इवन यहाँ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको ये अदारा जो है वो फाइनेंस करता। अच्छा माशाल्लाह, यानी कि जो फी अपनी पे नहीं कर सकते कोई, तो आप तो समझते हैं ये मुस्तहिक बच्ची है तो बच्चे हैं और उनके लिए हम काम करें। माशाल्लाह, ये तो बहुत बड़ी मतलब सदका है जी, ये तो सदका जारी है, अल्लाह ताला और तरक्की दे दीजिए इस इदारे को। तो ये जो है ये उधर से जब आप फारिग हुए तो फिर आप बस इधर बस अल्लाह ताला की ये भी इनायत है कि एजुकेशन के साथ बच्चों को पढ़ाने के साथ मैं मुंसलिक रहना चाहता था तो उसका अल्लाह ने आपको ख्वाहिश पूरी की, अल्लाह ताला मौका। थैंक यू वेरी मच जी, बड़ा मज़ा है, आज आपने बहुत टाइम दिया मुझे, अल्लाह आपको सलामत रखे, शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। नाज़रीन, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी अपने आरा का इजहार कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस जो है वो टाइमली मिलती रहें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो अब मुझे दें इजाज़त, मिलेंगे फिर कभी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मैं अब यहाँ से जा रहा था तो मुझे एक और शख्सियत दिखाई दी, तो इनके साथ एक क्यूट सा बच्चा भी है, तो मैं इसलिए रुक गया, आपको पता है मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। तो फैसल साहब मुझे बताइएगा इनके बारे में, तारुफ तो कराएं जी। प्रोफेसर जावेद रशीद साहब, अच्छा ये गवर्नमेंट कॉलेज से रिटायर होकर यहाँ पे फिर लाए, अच्छा ये डायरेक्टर हैं इस कॉलेज के, अच्छा इनके साथ दो और दोस्त हैं, इन्होंने ये अदारा जो इस साहिवाल में सबसे पुराना अदारा है उनके ये फाउंडर जनरल एजुकेशन। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर सर। जावेद माशाल्लाह सर, मुझे बताइएगा आप इससे पहले क्या करते रहे जी? मैं 70 से लेकर 1978 तक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट रहा। अच्छा, फिर मैंने एम फिल किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। एम फिल के बाद मैं लेक्चरर फिज़िक्स सेलेक्ट हुआ और 82 में मैं एज ए लेक्चरर फिज़िक्स गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में आया, और 33 साल की रफाकत के बाद, बढ़ाने के बाद मैं 31 मार्च 2014 को यहाँ से लगा। माशाल्लाह, मेरे इस एक्सपीरियंस के साथ मेरे एक और दोस्त प्रोफेसर मंजूर अहमद जान भी हैं। अच्छा, वो भी मेरे साथ मिलकर हमने रिटायरमेंट के बाद से पहले ये 2004 में ये साहिवाल में पहला प्राइवेट कॉलेज बना जहाँ हम खड़े हैं। जहाँ माशाल्लाह, और उस वक्त से अल्लाह ताला की बड़ी करम नवाजी है कि बड़े प्यार के साथ, मेहनत के साथ हम चला रहे हैं। अब हमारे साथ प्रोफेसर नूर साहब ये तशरीफ़ ले आए हैं, तो ये भी हमारे पुराने दोस्त हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और इनकी ज़ेर सरपरस्ती ये कॉलेज आप। माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई थी आपसे मिलके। अभी हम लोग थोड़ा जल्दी में हैं, नहीं तो मैं डिटेल से और बात करता आपसे, लेकिन कुछ चीज़ें फ्यूचर के लिए भी रहनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगा फिर आपसे ज़रूर मुलाकात। इंशाल्लाह जी, आपसे ये छोटी सी मुलाकात बहुत अच्छी रही, अल्लाह आपको खुश रखे। जज़ाकअल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अच्छा बेटा जी, थैंक यू सर, अब इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, ये मेरा नवासा है, माशाल्लाह ये मेरा नवासा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है ये, वाकई बहुत प्यारा।